नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन के संपादक राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। अब जो बिहार में जो शिक्षा मंत्री और जो अधिकारी के पाठक के बीच में तनातनी का जो माहौल है, तो क्या यह आरोप सही है या इसमें कोई भी सच्चाई है, किसी प्रकार की सच्चाई है कि शिक्षा व्यवस्था दरअसल इतनी चौपट कर दी गई बिहार की कि शिक्षा मंत्री को खुद कहना पड़ रहा है कि अब राष्ट्रीय स्तर के लोग जो है, मैंने कोई भी परीक्षा अगर बिहार में होती है तो देश के तमाम राज्यों के इसमें परीक्षार्थी शामिल होंगे, वो तो खैर एक अपनी जगह है, लेकिन उसमें विज्ञान, अंग्रेजी और तमाम ऐसे विषयों के अच्छे शिक्षक यहाँ तैयार नहीं हो पा रहे हैं बिहार में। तो क्या इस बदहाली से के पाठक जी चिंतित हैं और उसको दुरुस्त करना चाहते हैं? इसमें उनको मंत्री की कमजोरी दिख गई है, प्रोफेसर चंद्रशेखर की? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है। याद से नहीं, लंबे अरसे से कई दशक हो गए, 3 दशक, 3.5 दशक, जो भी मानिए। तमाम कॉलेज भी हैं, बस डिग्री मिल जाना है। सेशन भी समय सही समय पर कहीं नहीं चलता है, ठीक है ना, न उसका रिजल्ट है। इस कारण देश स्तर पर भी जो नौकरियां निकलती है उसमें बिहार के बच्चे नहीं हो पाती है। एडमिशन वगैरह का भी जो चक्कर होता है ना, मेडिकल वगैरह सबका, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसको सुधारने की जो पहल होनी चाहिए, ठीक है, देर से ही सही अगर शुरुआत हो जाए, ठीक है ना, लेकिन शुरुआत की बेचैनी जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उनमें भी कहीं कभी तो देखी नहीं गई है, ठीक है ना। और शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, वो एक शिक्षा मंत्री के रूप में विवादों में जरूर रहे हैं कतिपय बयानों को लेकर के, ठीक है ना। बारी बारी से उनका बयान एक रामचरितमानस पर आ जाना आपको याद होगा, तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि भाई, फिर कहा उन्होंने कि हम लोग एकलव्य के वंशज हैं, तो हम लोग अंगूठा देने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो आप अंगूठा देने की बात करिएगा, और उस समय आपको जो प्रसंग है जो एकलव्य का जो है और द्रोणाचार्य का जो मामला है उसमें है कि अगर द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने खुद अपने बूते खुद को तैयार किया था, ठीक है ना। तो बिहार में पहले आपको कह रहे हैं कि तैयार तो हो ना एकलव्य, उसके बाद ना आप अंगूठा, तो अंगूठा को तो इस कदर भोथरा बना दिया शिक्षा व्यवस्था की वजह से, तो उसमें आप क्या करेंगे और नहीं करेंगे। तो अब चूंकि अंदरूनी जो भी बातें हों, लेकिन जब के पाठक आए विभाग में, तो के पाठक जिस किसी भी विभाग में रहे हैं और कड़क अधिकारी माने जाते हैं और उन पर कहीं कोई दाग लगने की बात नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने पटरी पर लाने की कोशिश की। और इनका जो था, और इनका जो आप सचिव जो निजी सचिव थे जो, तो उनकी जो भूमिका थी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगाया के पाठक लगा रहे थे, ठीक है ना। खुले तौर पर दिख नहीं रहा, विभाग की बात होती है तो बाहर नहीं आना है, तो कतिपय जब बात नहीं बनी तो टकराव आ गया। तो कहीं ना कहीं तो इसमें मैंने पूरे शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने और पटरी पर नहीं लाने देने का जो द्वंद है ना, उसमें ही है जो आम समझदारी जो बन रही। क्योंकि आप कई दौर में देखे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति का ही मसला है। इस दौर में पिछले बार भी शिक्षक की बहाली हुई थी, उसमें जो टेट वगैरह का जो एग्जाम होता है, टीईटी वगैरह का, तो उससे लोग आए सब है। अब एक बार की फिर हुआ फैसला कि नहीं भाई, बीपीएससी से इसका एग्जाम होगा, नए सिरे से। यह अलग बात है कि उसमें टीईटी वाले भी शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी सड़क पर विवाद हुआ, पुलिस को लाठी चलाने पड़ी और सरकार के खिलाफ एक माहौल भी बन गया लोगों। तो फिर उसमें एक नया जुड़ाव हुआ डोमिसाइल को लेकर के, हर एक राज्यों में स्थानीय नियुक्तियों में अपने अपने जो नियम, ठीक है ना, और वही नियम झारखंड में भी है, क्योंकि झारखंड भी जो तमाम नियम वही है, उसमें नया नियम कुछ नहीं है। बिहार से अलग हुआ तो बिहार के ही नियम यहाँ भी लिए गए, अडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ डोमिसाइल नीति का जो विवाद हो रहा है झारखंड में, आप देख रहे हैं,
वहां आपने यह कह के कि खास विषयों में, मतलब विज्ञान के विषय में खास तौर से बातचीत हुई थी कि उसमें हम लाएंगे तो बाहर से भी काबिल शिक्षक आएंगे। तो अब इस बयान के बाद और इस निर्णय के बाद, जो डोमिसाइल का निर्णय था पूरे देश से उसमें अभ्यर्थियों के शामिल होने की, तो कहीं ना कहीं तो बिहार ने अपनी को ही खुद नंगापन जो है जाहिर कर दिया ना कि भाई बिहार में कैसी शिक्षा व्यवस्था है और कैसी पढ़ाई होती। क्या बिहार में साइंस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? हरेक कॉलेजों में है, डिग्रियां तो लाखों लाख हरेक साल पास हो रहे हैं और विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो आप उनको कैसी शिक्षा दे करके बाहर करें जिस पर आपको खुद भरोसा नहीं? तो ये तो हास्यास्पद बातें हो ही गई ना, तो इसकी ओर भी देखने की जरूरत है। लेकिन चर्चा जो असल मुद्दे हैं उस पर तो होती नहीं। जी सुशासन ने, नीतीश कुमार का जो सुशासन है, तो सुशासन सिर्फ रोड बना देने से, यातायात की सुविधाएं, खास करके जो जो आने जाने की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर देने से, क्या आपने कभी ऐसा सुना कि नीतीश कुमार का नाम सुशासन में शिक्षा व्यवस्था को बहुत पटरी पर लाने या बेहतर करने के ख्याल से, या टेक्नोलॉजी ज्ञान के मामले में बिहार को अव्वल कर देने के नाम पर कभी लिया गया हो? देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है, ठीक है ना, अब बिहार में पूरी तरह चौपट है। वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा की बात हो, कॉलेजों में, किसी भी कॉलेज में, ठीक है ना, पूरी तरह शिक्षक नहीं है। आपको बता दें, बहुत आश्चर्य होगा कि शिक्षा मंत्री मधेपुरा सदर से जीते हैं, 3 बार से विधायक हैं, वो प्रोफेसर औरंगाबाद में होते हैं, ठीक है ना, रामलखन सिंह यादव कॉलेज है, और यह भी साइंस के ही प्रोफेसर हैं, ठीक है। उसमें भी अलग मसला है कि वहां वेतन लेते हैं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सब भी अलग बातें हैं। उनका विशेषाधिकार है कि अगर कोई प्रोफेसर हैं तो आप कॉलेज में अगर वेतन ले रहे हैं तो इधर नहीं लेंगे, ठीक है ना, जो नहीं, मंत्री के रूप में उन्होंने जो वेतन। इस मामले पर उन्होंने मना किया कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया साफ। उन्होंने जो कहा, ठीक है ना, लेकिन जो बातें हैं जो सामने आई, जिस पर चर्चा हो चुकी, ठीक है ना, उनका कहना और न कहना, बयानबाजी और जो रिकॉर्ड है, तो अलग अलग बातें हो सकती है। तो वो भी विज्ञान के शिक्षक हैं, और आश्चर्य होगा कि जिस कॉलेज में शिक्षक हैं, ठीक है, उस कॉलेज में भी न कहीं लैब है न कुछ है, ठीक है ना, वहाँ भी शिक्षक जो हैं बहुत कम हैं, इस कारण वहाँ नियमित कक्षाएं नहीं होती है। तो अब इससे ज्यादा उदाहरण आप क्या देखेंगे? जो शिक्षा मंत्री जिस कॉलेज में प्रोफेसर है उस कॉलेज में कम से कम पूरे शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पाए, है ना। तो जो है, तो सुशासन में, शिक्षा में सुधार के नाम पर, देखिए सुशासन की सबसे बड़ी शर्त जो है ना, और जो होना चाहिए, वो शिक्षा तो मूलभूत चीजें हैं। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए ही जरूरी नहीं है, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा रहेगा, शिक्षित लोग रहेंगे तो दुनियादारी समझेंगे, ठीक है ना, क्या हो रहा है देश में, बदलाव कहाँ जा रहा है, सब कुछ अपडेट भी रहना हो। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार ही नहीं है, शिक्षा जो है ना, जीवन व्यवसाय भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है, ठीक है ना। तो शिक्षा तो कभी पटरी पर ही नहीं हो रहा, हमेशा आप विवाद देखते हुए कि राजभवन से ठन जाना, कब भाई कुलपति के नियुक्ति के मामले में हो, ठीक है ना, ये सब भी आमतौर पर रहा है। ये सब 20-25 वर्षों से इतिहास का सिलसिला रहा। टीचर की जब बहाली भी हुई है तो बाबशर्फी वगैरह का आपको विवाद जो हुआ था बहाली का, वो याद होगा, सब कोर्ट में जाना मसला सब कुछ है। तो ये तो कार्यक्रम बहुत लंबा खींच रहा है ना, और ये बहुत लंबा है, तो इसके लिए तो जवाबदेही नीतीश कुमार की भी बनती है। शिक्षा मंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से है, तो आखिर रिपोर्टिंग तो मुख्यमंत्री को ही ना करेंगे, तो मुख्यमंत्री को भी नजर उनसे तो पूछना चाहिए ना कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नया हो रहा है। जिस तरह से अभी पंचायती के लिए बुलाए ना विवाद में, तो आमतौर पर भी तो यह बात होनी ही चाहिए कि भाई क्यों नहीं कॉलेज में व्यवस्था सुधर रही, क्यों नहीं शिक्षक हैं, हम क्या कर सकते हैं सरकार अपने स्तर से उसके लिए, ठीक है ना, सही समय पर रिजल्ट निकले, क्या हो सकता है उसके लिए। तो बिहार बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो, या फिर आप आ जाइए विभिन्न का विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो, शिक्षक की तैनाती हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला, तो इस तमाम तो विवादों में ही घिर घिर जाते हैं, यह भी सिलसिला चल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम, बेहतर क्या, कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, कहने क्या ही तक।
आपने एक पिछली बातचीत में कहा था कि नॉर्थ इंडियन स्टेट ठीक है, बिहार है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर अगर पूर्वोत्तर राज्यों में अगर न भी तो ये उड़ीसा के बारे में आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वहाँ एक पूरे भुवनेश्वर को एक एजुकेशन हब में एक बदल दिया। तो आपके अगल बगल के राज्यों में इतने सुधार की संभावना है और आप लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने नाम को आप सुशासन के साथ जोड़ भी लेते हैं, लेकिन आपके ये में एजेंडे में शिक्षा कहीं नहीं रहती है सुशासन के केंद्र में। देखिए, अभी जो जो बदलाव हुए हैं केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी जो हो रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे ना कि निजी विश्वविद्यालयों का खुलना बहुत धड़ल्ले से जारी है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जो संसाधन मुहैया कराने की बात होती है तो राज्य में भी उस राज्य सरकार की भी उसमें भूमिका होती है। बिहार में भी अनगिनत कॉलेज खुले, ठीक है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज जो व्यावसायिक शिक्षा के, और उड़ीसा में भी खुले हैं जो हब बना, पूरे झारखंड से लोग जाते हैं, बिहार से बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने के लिए। तो देखिए, कॉलेज खोल लेना और उसकी निगरानी, सतत निगरानी करते हुए कि भाई कॉलेज हमारे राज्य में अगर 10 कॉलेज खुले हैं, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो आखिर उसमें उसके पास संसाधन माने ढांचागत जो व्यवस्था है तो वो क्या है, उसमें पढ़ाई का स्तर क्या है, उसमें प्लेसमेंट का स्तर क्या है। देखिए, डिग्री ले लेना, फिर रोजगार भी तो पाना है ना। इंजीनियरिंग में अगर जा रहे हैं डोनेशन दे के 20-20 लाख रुपए करके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, वह कॉलेज बिहार में भी वहां से भी डिग्रियां बट रही है, लेकिन उसके प्लेसमेंट का जो है उसमें जो रकम है उसको भी आप देखिए। तो इसकी जो मॉनिटरी है ना वो कहीं नहीं, तो हब बनने का कारण कि नवीन पटनायक जो है वो कहीं ना कहीं उस पर नजर रखते हैं, या उनका जो मातहत जो मंत्री होंगे जो जिनके जिम्मे में शिक्षा विभाग का, उस पर मॉनिटरिंग है। वहाँ कई कॉलेज हैं जिसका प्लेसमेंट का स्तर जो है बहुत अच्छा है, उसका सालाना जो प्लेसमेंट है, लेकिन झारखंड के किसी एक कॉलेज का गिना ही ना पढ़ने के। हम लोगों के यहाँ फोन आते हैं कि भैया हमारा बेटा इंजीनियरिंग किया, थोड़ा देखो अगर आप लोगों को कहीं इधर उधर हो, नहीं होता है कि कहीं उसको कराओ, नौकरी वोकरी में दाखिल कराओ, कुछ करें। तो ये सब तो स्थिति में तो उसको देखने की जरूरत है, सिर्फ कॉलेज खोलने से ही नहीं होगा, उसमें पढ़ाई का स्तर भी देखना हो। और आपको याद हो कि वे बीजू पटनायक तक यह माना जाता था कि शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा जो है बहुत आगे नहीं है अन्य राज्यों की तुलना में, और ये बहुत कुछ परिवर्तन नवीन पटनायक के पिछले मैंने 20 साल के 15-20 साल के ये शासनकाल के दौरान में ये सब देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तमाम तरह की जो बातें हैं ना, राजनीति जो है, राजनीति कुल मिला के अंततः जो है संख्या बल जुटाने का मामला होता है, सब है शासन में बने रहने का मामला। लेकिन आप सिर्फ शासन में बने रहने के लिए ही जो कवायद करना है और कसरत करना है करेंगे, तो फिर आपकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध होती है। आप देखेंगे कि नवीन पटनायक पर, ठीक है, कभी इस तरीके से सवाल, वहां बहुत विवाद आप देखते हैं, कहीं मंत्री स्तर के, मंत्रिमंडल के स्तर पर या कहीं कुछ सामने नहीं आता। आप एक बात पर गौर करिए कि नरेंद्र मोदी विदेश में भी जाते हैं आज के तारीख में, तो बोलते हैं ना कि भारत युवा देश, यहाँ भी आते हैं तो बताते हैं कि हम विदेशों में गए हैं, तो लोग वहां कहते हैं कि भारत युवा देश है और भारत को बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। तो आप युवाओं, आपका जैसा युवा तैयार होगा ना, तो उस हिसाब से जो तैयारी और आपका विकास जो है वो दिखेगा। तो आप उड़ीसा में देखेंगे कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ शिक्षा के स्तर पर नहीं, आप खेल के स्तर पर भी देखिएगा, ठीक है ना। हॉकी को आप देखेंगे, पिछले दिनों तो वहां कोई स्पॉन्सर का मामला था, नहीं कुछ मिल रहा था, तो पूरे इंडिया हॉकी हॉकी टीम को उड़ीसा सरकार ने जो है क्या बोलते हैं उसको फंडिंग किया और कुछ किया, ये सब किया। तो वहां भी देखा जाता, तो जो शिक्षा में नहीं, जो खेल के स्तर से आगे बढ़ेंगे कुछ। देखिए, एक से एक हॉकी खिलाड़ी वहां से भी निकल रहे हैं, उड़ीसा से जो बातें हो रही है। तो बिहार में तो युवाओं को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं, अब वोट बैंक का हिस्सा बना के रखना है, उसको जाति में बांटो, इसमें बांटो, खाते में बांटो। तो
यह जो प्रक्रिया चल रही है ना, तो इस प्रक्रिया की वजह से जो है आप जो पॉजिटिव बात पे आप उड़ीसा में देख रहे हैं वो आपको बिहार में नहीं दिख रहा है। तो इस पर कभी बहस भी नहीं हो रही है, बहस भी नहीं हो रही। और ये मुलम्मा की वे बिहार जो है आईएएस आईपीएस और तमाम जो प्रशासनिक और जो पुलिस अधिकारी पैदा करता हुआ एक राज्य है और ये दशकों से है, तो उसका लाभ कहाँ बिहार को मिलता है? आप सुन भी रहे होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि देश के तमाम 300 से अधिक जिलों में बिहार के जो है आईएएस आईपीएस जो है वो वहाँ तैनात हैं, एक अधिकारी के तौर पर हैं, बिहार को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आखिर इन सब चीजों को कहने और बताने से आखिर क्या बिहार को लाभ मिलेगा या मिल रहा है? देखिए ये जो गौरव बोध की बात होती है ना, उसको आप जातीय गौरव की बात कहें, उसको आप देखेंगे कि जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें जाति की भी बात होती है। फला जाति का इतना गया, उनको बधाई का दौर हो गया, घूमिहार इतना हमारा आईएएस बन गया, ये जादव लोग भी हो गए हैं, फलाने भी हो गए, ढिकाने भी हो गए, उस जातीय गौरव बोध भी सहलाया जाता है, राज गौरव बोध की बातें भी होती है। लेकिन आप इस पूरा डाटा देखिए कि जो भी यूपीएससी कंपीट करते हैं, ठीक है, और जो आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं या जो विभिन्न भारत के उच्च स्तरीय सेवा में जो भी जाते हैं, उन्होंने जो अपनी तैयारी की, ठीक है, कितने ने बिहार में रह के तैयारी की और बिहार में रहते हैं, ठीक है, वो तमाम पलायन किए लोग हैं बिहार से, ठीक है, वो चाहे वो शिक्षा पाने की मजबूरी में पलायन किए हो, सब परिवार पलायन किए, लोग गांव से खेत बेच के दिल्ली चला जा रहा है, वहां किराए में रह रहा है अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, ठीक है ना। बिहार भी कोचिंग का बहुत बड़ा हब, वहां भी सब कुछ चलता है, सब देखेंगे करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है वहां व्यवसाय की तरह, व्यवसाय दिल्ली में भी कोचिंग का है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो लगता है या उसका परिणाम सामने होता है, तब तो वहां जाते हैं और कुछ करते हैं। तो अब गौरव को सहला लेना, और दूसरी बात है कि बिहार के से जो बिहार के निवासी हैं, अगर वो आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, तो भारतीय सेवा के अधिकारी हो गए, ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, वो अब बिहार के नहीं है, ठीक है, अब उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कौन सा कैडर मिलता है, तो उनकी जिम्मेदारी जिस जिला में वहां तैनाती होगी, ठीक है ना, वहां प्रशासन को पटरी पर लाने की होगी, वो अगर आईपीएस हैं तो वहाँ एसपी होंगे, आईजी होंगे, डीआईजी बनेंगे, डीजीपी बनेंगे, तो वहाँ के अपराध व्यवस्था और कानून को दुरुस्त करना उनकी जिम्मेदारी है, वो आखिर बिहार के लिए क्या कर पाएंगे एक अधिकारी के रूप में। हाँ, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई का मार्गदर्शन हो या आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन हो, बहुत वाहवाही 2-4-10 दिन हो जाती है, जय बिहार और जय फलाना, या जो होता है, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं, कहीं किसी ने कोई पहल की कि भाई उन अधिकारियों को कभी कभी बुलाया जाए, कोई ऐसा संस्था संगठन बनाया जाए, या सरकार के स्तर पर ही कोई ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसे बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम कराया जाए। तो यह अलग अलग भूमिका है, कहने की बात ही अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब इस बार ही जो टॉपर जो टॉप टॉप 10 में जो 3 बिहार के थे, जो लड़कियां भी थी और एक लड़के भी थे, और वो लोग तो वहां रहते, बिहार में रहे ही नहीं, यह बात भी सामने है ही ना, ये तो खुली किताब है ना, उसको कहने कहना के लिए तो बहुत सारी बात तो है ऐसे में अगर जी। के पाठक का अगर दखल हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री जो करते रहे हैं और जो काफी अच्छे तो नहीं ही करते रहे हैं, तो उस पर अगर थोड़ी सी पाबंदी अगर एक वरीय अधिकारी के तौर पर अगर के पाठक विभाग में चाह रहे हैं तो इसको लेकर हाय तवा क्यों? देखिए, हाय तौबा की भी जो वजह है ना, ये होता है ना कि जैसे अब झारखंड में अभी देखेंगे, नौकरशाह जो रहेगा, जो ईमानदार रहेगा, जिसकी रीढ़ सीधी रहेगी ना, तो जो समझौतावादी नहीं होता है, जो झुकता नहीं है, तो वहां पे मंत्रियों से टकराव स्वाभाविक है, मंत्री की जो अपना जो एजेंडा हो या कुछ हो, उसको विभाग में चलाना या निर्णय लेना कुछ है, तो अंततः अधिकार जो है ना, एक मंत्री के रूप में जो अधिकार है और एक जो उस विभाग के सचिव को जो अधिकार है, दोनों में बहुत अंतर है। आप विचार करके, जो फाइल है अगर किसी का तबादला होना है, ठीक है ना, तो
तो मंत्री ठीक है, मंत्री भी करेंगे, लेकिन वहाँ अंतिम जो हस्ताक्षर होता है वो विभागीय सचिव के हस्ताक्षर से ही फिर वो क्रियान्वित होता है और सब कुछ होता है। तो खास तौर से यह जो महीना आया है, यही महीना और फिर के पाठक की तैनाती के बाद ही जो विवाद हुआ है, तो इस यह भी तो सोचने को मजबूर करता है। और खास करके विवाद सामने आने का जो महीना है, यानी बेशक ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना होता है, और इसमें के पाठक जैसे अधिकारी जिस विभाग में होते हैं, अगर जो भी एक्के दुक्के हैं जो भी हैं, वहां तनातनी होती रही है। अभी जून का महीना ठीक में जो होता है ना, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैंने, ये पहला उदाहरण आप नहीं देखिएगा, मंगल पांडे तो अभी तो जुलाई है। हाँ आ गया ना, और जुलाई आ गया तो 2 दिन से नहीं ना हो रहा था ड्रामा। ये तो पीत पत्र जारी करने का आप सचिव का मामला, या उसके बाद नहीं सामने आ गया जब उन्होंने रोक लगा दिया, के पाठक ने रोक लगा दिन के आप सचिव के विभाग में आने जाने पर, ठीक है ना। उनसे अभी पूछ लिया कि भाई आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो आप कैसा डॉक्टर है, कौन सी डिग्री है, यह अभी आप बता दीजिए। उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़े कर दिए, इतना ही नहीं उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए, ठीक है ना। इस तरह का विवाद पिछले वर्षों में भी हुआ। मंगल पांडे आपको याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है ना, उनका भी तबादला का जो मांग, तबादले की जो फाइल थी ना, वो विभागीय सचिव ने रोक दी थी, उस समय भी बड़ी टकराव हुआ था। उससे भी पहले आप देखिएगा कि मदन सहनी करके ऐसे मंत्री होते थे, ठीक है ना, जो उन्होंने कह दिया था कि भाई हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है, तो हमको तो मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है, वहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग का ही फाइल रुकने का मामला था। और वही मामला अभी भी है, चर्चा हो रही है भीतर खाने, भले मीडिया में ये बात सार्वजनिक तौर पर तो कोई आधिकारिक रूप से सामने आकर कहेगा नहीं, है ना, लेकिन बात वही है। इसी तरह का विवाद अभी आप देखेंगे बिहार झारखंड में भी हुआ, इस तरह की नकेल जो गन्ना कसने की को, जो बात आप कह रहे हैं, इस तरह की जो नकेल कसने की आप बात कह रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री या और अन्य मंत्री जो हैं, अगर मान लीजिए कि पुल गिर गया, 17 करोड़ 1700 करोड़ रुपये का पुल गिर जाता है, तो क्या इन सब पर भी जो अधिकारी रहते हैं उन विभागों में कभी इस तरह की पड़ताल करते हैं जिस तरह की पड़ताल अपने विभाग में के पाठक कर रहे हैं? नहीं देखिए के पाठक जैसे अधिकारी जो है ना, तो उनको समझिए कि एक तरह से वो टूल भी है, ठीक है ना, सरकार के लिए। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है कि किसको कहाँ तैनात करेंगे नहीं करेंगे, और उनको सत्ता का जो संतुलन है वो भी बना के रखना है, सब कुछ करना है, क्योंकि अपने बूते की सरकार नहीं है, जब भी इधर है तो बीजेपी में रहे हो या फिर इधर आरजेडी के सहयोग से रहे हो, तो कब हमेशा वो बहुत इत्मीनान तो होंगे नहीं, ये जो स्वाभाविक है। तो उस हिसाब से जो कभी असहज होता है ना मामला, और उनको कहीं लगता है कि नहीं भाई मंत्री जो है कुछ ज्यादा ही मैंने अपना मनमर्जी चलाना चाह रहा है, कुछ कर रहा है, और इस तरह से छूट दे देंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी संभालना, तो इसलिए वो सब फेके पाठक क्या होते हैं, उसमें मैंने एक तरह से उनका इस्तेमाल होता है, भले उनकी 26-24 हो, वो इस्तेमाल है, और दबाव बनाने के पाठक जैसे अधिकारी हैं एक दो ना, उनको बस वहां भेजा जाता है, वहां जाएगा, स्वाभाविक है कि मंत्री की मनमर्जी चलेगी नहीं, वो किसी बात पर आपत्ति करेंगे, आंख बंद करके कुछ करेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि उन पर अंकुश लगेगा। नहीं तो अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो आप शांत तो बैठ जाइए, और नहीं बहुत बेचैन है तो सामने आइए, सामने आइएगा तो फिर जो हिसाब किताब करना होता है राजनीतिक रूप से, जैसे इन्हीं का देखे कि भाई बहुत बेचैन हुए तो जाके लालू प्रसाद जी से मिले, फिर लालू प्रसाद बोला कि जाओ भाई मुख्यमंत्री से मिलिए, नहीं बातें आई कि भाई मुख्यमंत्री को हड़काया, क्या किया नहीं किया, अब क्या हो गया, मामला शांत हो गया, उधर से आए तो कह दिया कि भाई हमारा कोई विवाद नहीं है, अब ठीक है, सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो यह मामला है। तो इस तरह का अंकुश क्या सिर्फ आरजेडी के मंत्रियों के लिए है या ना जदयू के मंत्रियों के लिए भी है, नहीं वरिष्ठ जदयू में अगर अधिकारियों कोई द्वारा? असहज, देखिए अधिकतर जो है जो मामला जो सामने आते हैं और जो है सामने है, तो उसमें अधिकतर तो आरजेडी के ही मंत्रियों के तरफ से कुछ ऐसा है कि उन पर भी किया गया है, लेकिन इक्के दुक्के इधर भी हैं जिन पर है, उन पर भी नजर है, उन पर भी लगाम कस के रखा जाता है, ऐसा उनका भी होता है हिसाब किताब। तो यह कुल मिला के यह राजनीति के लिए नहीं होता, ठीक है ना, इसको मानिए, ये अपना सत्ता संतुलन और अपना जो बैलेंस बनाना है उसके लिए है, ये कोई जनहित का नहीं
नहीं है, इसको ये नहीं माने कि मैके को बैठा दिए वहां पर और मंत्री जी पर अंकुश लगा दिए तो अब जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही थी अब सब पटरी पर आ जाए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर दिखना भी चाहिए, तो है तो रिजल्ट तो दिखेगा, रिजल्ट दिखना चाहिए। अब तो बहुत समय नहीं है, अब तो चुनाव सिर पर है और जहाँ पूरे देश में आप आगे बढ़ने की और भाजपा को बेदखल करने की तैयारी करें तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आपको करना है, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो दिखाइए, और दिखे बदलाव तो फिर लोगों में भरोसा जगे। तो सवाल तो ठीक है, वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं के पाठक, लेकिन सवाल तो उनकी भाषा को लेकर भी उठ रही है कि जिस तरह से वो राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक में गाली देकर बात करते हैं, जबकि वो सभी लोग कंपटिटिव ही होते हैं, वो स्टेट स्तर के टॉप परीक्षा पास करके वो सब अधिकारी बनते हैं, और उनकी बैठक में आप उनको गाली देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो के पाठक का जो भी जिस रूप में व्यक्तित्व है वो भी तो सवाल के दायरे में और कटघरे में है ही। सवाल के दायरे में देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो पूरी तरह गलत है, ठीक है ना। आप भी भाई नौकर हैं, वो भी नौकर हैं, अब कुल मिलाकर आइए से तो क्या है भाई, आप सैलरी पाते, वेतन पाते, काम के लिए पाते हैं, तो देख अदना मुलाजिम है वो भी तो नौकर ही है, आपकी तरह नौकर है, उसके भी अधिकार समान है। माने अधिकार जो क्या बोलते हैं उसको, जो मानवीय पहलू भी तो होता है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पूरी तरह गलत है, और जिसके साथ हो रहा है अगर वो भी ईमानदार है और तो उनको सामने आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, नहीं नहीं और तो अगर कहीं नहीं विरोध। ये बैठक का जो वीडियो था वो तो वायरल हो गया था कि वो एक दूसरे राज्य स्तर के अधिकारियों को जो प्रशिक्षण ले रहे थे, ट्रेनी वाले सभी लोग थे, वो गाली गलौज कर रहे हैं सबके साथ, वो तो वायरल वीडियो हो गया था। नहीं तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सक्षम जो है उस पर कार्रवाई करें, और उसके लिए जो जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनको उनके लिए भी मंच है, तो उनको आगे आना चाहिए, उनकी शिकायत करनी चाहिए। आईएएस अधिकारी है तो ऐसा थोड़ी कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, वो एकदम तो निरंकुश होने जाएंगे भाई, उनका घर का तो काम नहीं कर रहे हैं ना, वो सब तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, और राज्य के लिए काम करना है ना, आपको व्यवस्था के लिए काम करना है, तो व्यवस्था सही रहे, जो जो संवैधानिक दायरा है उसी में होगी ना बात। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसकी पड़ताल हो, और इसको होना भी चाहिए और इस मुद्दे को उठना चाहिए। तो मैं कोई के पाठक की कोई उस रूप में हिमायत नहीं कर रहा हूँ, अगर जहाँ गलत है तो उन पर कार्रवाई हो। और आपको याद होगा कि जब जंगल राज की बात नीतीश कुमार जब करते थे तो उसमें शिक्षा भी एक मुद्दा रहा करता था, तो शासन में आने के बाद 18 साल में उन्होंने अपनी प्राथमिकता में शिक्षा को क्यों नहीं लिया? देखिए शिक्षा में अब क्या बातें हो रही है ना, देश पूरे देश में, बिहार को ही छोड़ दीजिए, शिक्षा में जो जितने ना प्रयोग हुए हैं ना, जो निरंतर प्रयोग, उस प्रयोग में शिक्षा मूल बात जो होती है ना, पठन पाठन की बात, वो कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। पढ़ाओगे अब बच्चों को खाना खिलाना, तर्क देना कि भैया बच्चे खाना खाने के लिए आएंगे पढ़ेंगे, नहीं होता है, जो गरीब बच्चे हैं तो उनको ठीक है, ये तर्क हो सकता है, लेकिन यह तर्क नहीं हो सकता है। जिस समय क्या मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में नहीं थी तो क्या उस समय बच्चे नहीं पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाते थे। अब साइकिल वितरण कर देना, ठीक है, अब साइकिल वितरण कर दिए, बच्चों को सहूलियत हो गया, क्या से पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे जब साइकिल नहीं मिलता था तो, और क्या उस समय टॉपर नहीं बनते थे, उस समय आईएएस आईपीएस नहीं होते थे। तो ले कुल मिला के जो बात है ना शिक्षा के गुणवत्ता की, ठीक है ना, वो गुणवत्ता के लिए कार्य नहीं होते हैं, तमाम कार्य तो होते ही हैं। बिहार में तमाम लड़कियों को साइकिल मिल गया, उस समय मीडिया में सुर्खियां बनती थी कि भाई नीतीश कुमार ने क्रांतिकारी कदम उठा दिए, सभी लड़कियों को साइकिल दे दिया, अब स्कूलों में उपस्थिति बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये होता है, और जनगण आपकी बातें, यहाँ तो जो बिहार तो खास तौर से, और नीतीश कुमार जहाँ है और जिस भूमिका में रहे हैं, जिस तरह से उनका इधर उधर होना जारी रहता है, ठीक है ना, तो इस मामले में अगर कहेंगे तो सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उस मामले में फिर राजद भी वही खड़ी होती है, भाजपा भी वही खड़ी होती है, ठीक है ना। भाजपा के साथ नीतीश कुमार होते हैं तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे होते हैं और वो राजद के लिए बहुत बुरे होते हैं, फिर नीतीश कुमार
आ जाते हैं राजद में तो भाजपा के लिए बुरे हो जाते हैं, तमाम उनकी जो है नाकामियां भाजपा गिनाना शुरू कर देती है और राजद बोलती है भाई इनसे बेहतर कोई नहीं है। तो ये तो सबको सामने है, जाहिर है, तो इस पर अभी बहस का विषय भी नहीं रहा। वो लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने भी आत्मसात कर लिया है इसको, कि या वो अब जिस रूप में राजनीति में, राजनीति की क्या मजबूरी है और राजनीति के लिए क्यों अपरिहार्य बने हुए हैं, ठीक है ना, तो यह बात तो राजनीति समझे और जो आम लोग समझेंगे, हम आप समझ सकते हैं, वो भी सामने है। कोई आपको ऐसा उदाहरण याद आता हो 90 के दशक के पहले जब कांग्रेस का शासन वहां रहा, कि शिक्षा को लेकर कोई अधिक उनकी सतर्कता रहती थी या अधिक उनकी अपनी कोई योजना रहती थी, उनकी अपनी कोई एक बहुत ही सक्रियता दिखती थी किन्हीं के भी शासन काल में? नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे नहीं, हैं? 90 के दशक के पहले मैं बोल रहा हूँ, 90 के पहले, 90 के बाद नहीं, 90 के दशक के पहले, 80 के दशक के बिहार, आसपास। हाँ तो अब सिख बिहार की शिक्षा व्यवस्था ना बहुत लंबे समय से हो रहा, देरी होना ना रिजल्ट वगैरह में, वो सब बहुत पहले से शिक्षा पर बहुत बेहतरी पर, वो हमको नहीं लगता है, बहुत हम पुरानी बात नहीं कर सकते, लेकिन जब से हम देख रहे हैं समझ रहे हैं जो सामने जो नजरों के सामने है, उसमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कहीं कुछ बातें नहीं। कांग्रेस के समय में भी हमको कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, जैसे हाँ एक उदाहरण जैसे बताएंगे कि किस तरह से बर्बादी जो हुई है। अब आप जगन्नाथ मिश्रा के समय में आइए, जब वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, पूरी तरह हमको याद है, उस समय गांव गांव में कॉलेज खुलने लगे, ठीक है ना, का वित्त रहित कॉलेज, अभित सहित कॉलेज, एक वित्त रहित मतलब आपको हम पैसा नहीं देंगे, आपको हम संबद्धता दे दिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, अपना जुगाड़ खुद करिए, बिल्डिंग बनाइए, टीचर रखिए, है ना, जो कुछ अपना फीस तय कर लेना है वो कर लीजिए, आप आपको डिग्री हम दे देंगे, ठीक है ना। उस समय हजारों कॉलेज खुल गए, उसके बाद क्या हुआ, साल 2 साल 3 साल 4 साल चल रहा इस उम्मीद में, फिर आंदोलन शुरू हो गया कि नया बखेड़ा, देखो उसमें भी वोट बैंक की राजनीति हो जाती है, और फिर आंदोलन होने लगे कि हम बीच रहे थे भैया, हमको बीच शहीद करो, ठीक है ना, तमाम कॉलेजों में ताले लग गए। अब उनका जब उनका जाना हुआ, फिर जब लालू जी आए तो देखिए उन्होंने शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए, क्या शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, एक एक मुश्त हमको याद है कि उस समय जो पहली बार बहाली 25,000 इस प्राइमरी शिक्षकों की हुई थी, ठीक है ना, वो बड़ी बहाली थी। उसके बाद कॉलेज में सुधार के नाम पर क्या हुआ, शिक्षकों की बहाली का उसमें क्या क्या हुए, घपले घोटाले की बात सामने आई, कई मुकदमे हुए, अभी जो जीतनराम मांझी हम वाले हैं, मेधा घोटाले का मामला सामने आया था, उसमें भी आरोपी गए, बाप के दोनों में बड़ी हो गए सब कुछ, मेधा घोटाला की बड़ी चर्चा हुई थी उसमें, हाँ उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालयों का नाम बदल दिया, बिहार विश्वविद्यालय था तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो गया, आराम यूनिवर्सिटी था तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया। तो आप कहीं ना कहीं उसके पास नाम परिवर्तन के बहाने फिर वही वोट की राजनीति, जातीय गौरव को सहलाने की बात हो गई, ठीक है ना, उसके अलावे तो हमने कुछ नहीं देखा। हाँ इतना जरूर देखा कि शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जो बहुत क्रांतिकारी बदलाव का बातें बातें की गई, तो चरवाहा विद्यालय खुल गए, और वो तो चरवाहा विद्यालय कहाँ जी इस पर बात करेंगे फिलहाल। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।